हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता, जो बच्चे को बहुत ही पसंद आएगी। आप इसे झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे आप बच्चे को टिफिन में भी दे सकते हैं, और या शाम के नाश्ता हो या सुबह के ब्रेकफास्ट हो, इसमें आप झटपट बना के तैयार कर सकते हैं। तो आज मैं इसी आपके साथ यही रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं मेरी रेसिपी आपको कैसे लगी। तो देखिए, हमने एक ही मिश्रण से दो रेसिपी बनाए हैं। ये ब्रेड और सूजी का नाश्ता, और ये हमने उत्पम की तरह बना दी है, गोल गोल टिक्की। बच्चे को ये भी बहुत पसंद आएंगे। तो देखिए, एकदम क्रंची और क्रिस्पी बनकर तैयार। तो चले फ्रेंड्स, आज हम बनाना शुरू करते हैं एकदम हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बच्चों के लिए। ये ब्रेड और सूजी से हम बनाएंगे। तो देखिए, हमने इसमें एक कप सूजी लिया है, और एक कप दही, और इसमें हरी मिर्च, एक टमाटर कटी हुई, और एक प्याज ले लिया हम एकदम बारीक कटा हुआ, आधा गाजर हम कटा हुआ ले लिए हैं, और आधा कैप्सिकम, और थोड़े से धनिया पत्ता और टमाटो केचप ले लिए हैं। और भी कुछ सामान हम लेंगे, वो आपको बाद में बताएंगे। तो हम पहले इसे मिला लेंगे। तो हम एक बाउल ले लेंगे। अब इसमें हम एक कप सूजी डाल देंगे, और ये ताजा फ्रेश दही है, इसमें हम डाल देंगे। ये छोटे ले कप है, मैंने एक कप सूजी तो आधा कप दही आप डालें। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, और ये बारीक कटा हुआ गाजर, और ये कैप्सिकम डाल देंगे, ये भी बारीक काट लिया हमने, और ये दो से तीन हरी मिर्च ले ली हमने, और थोड़ी सी धनिया पत्ता, और एक टमाटर छोटी कटी हुई, तो अब हम इसमें 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर डालेंगे, काली मिर्च, 4 टीस्पून चिली फ्लेक्स, अगर आपके पास ना हो तो आप सूखी मिर्च को घर में ही कूट के ले लें, और 1/4 टीस्पून ओरिगेनो डाल देंगे। अब हम देखिए, एक कप पानी ले लिए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस सभी को मिला लेंगे। हम इसे ज्यादा पतला नहीं करना, एकदम गाढ़ा घोल ही रखना है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो देखिए, हमें इसमें आधा ही कप पानी लगा है, आधा कप पानी बच गया है। देखिए, हम इस तरह गाढ़ा घोल तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट होने के लिए, ताकि सूजी अच्छी तरह से फूल जाए। तो देखिए, अब 10 मिनट हो चुकी है, सूजी अच्छी तरह से फूल चुकी है। अब हम प्लेट हटा के देखेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से एक बार मिला लेंगे। हम इसमें नमक नहीं डाले थे, हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। इसे फिर से मिला लेंगे। एकदम झटपट बन जाने वाली नाश्ता है, आप बच्चे को सुबह टिफिन में भी इस तरह से बना के दे सकते हैं। तो हम ब्रेड की स्लाइस ले लेंगे। अब हम इसमें सॉस लगा देंगे, इस तरह हम केचप लगा देंगे। आप चाहे तो ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं। अब हम इसमें पूरा केचप लगा दिए हैं, फ्राई पैन गरम होने के लिए रख दिए हैं। अब हम इसमें ये बटर डाल देंगे। और इसके ऊपर ये ब्रेड को रख देंगे अच्छी तरह से। अब हम 2 मिनट के लिए इसे ढक देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। तो देखिए, अब 2 मिनट हो चुकी है। अब हम ढक्कन हटा कर देखेंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ी चीज डाल देंगे, ताकि बच्चे और ज्यादा पसंद करें, इसलिए हम इसमें चीज डाल देंगे। देखिए इस तरह से, अगर आपके पास हो तो आप डालें, नहीं तो आप नहीं डालें। अब हम पलट देंगे इसे। देखिए, एक तरफ से पूरा एकदम क्रंची क्रिस्पी बन चुकी है। अब हम इसे पलट के भी लाल कर लेंगे इस तरह से। देखिए कितनी अच्छी तरह से सीख गई है, लाल हो चुकी है एकदम से।
पलट के भी अच्छी तरह से सेक लेंगे। तो देखिए हम एक ही मिश्रण से दो नाश्ता बनाएंगे, आप भी बच्चों के लिए जरूर बनाएं। देखिए ये ब्रेड टोस्ट की रेसिपी झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। तो देखिए एकदम क्रिस्पी और क्रंची ब्रेड टोस्ट नाश्ता बनकर तैयार है। अब हम क्या इसमें अब हम दूसरा नाश्ता बनाएंगे, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए हम इसी से एक चम्मच ऑयल डालेंगे। अब हम इसी से उत्पम बना लेंगे। झटपट नाश्ता तैयार हो जाती है। अगर आपको सुबह ब्रेकफास्ट के लिए हो या बच्चों के टिफिन के लिए हो या फिर शाम के नाश्ता चाय के साथ हो तो झटपट इस तरह से बनाइए और खाइए। तो अब हम इसे ढक देंगे 2 मिनट के लिए पकने के लिए। अब हम इसे पलट देंगे। एक तरफ से अच्छी तरह से सीख चुकी है, सारे नाश्ता को अब हम पलट लेंगे। तो देखिए अब हम ढक्कन हटा के देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मेरी ब्रेड और सूजी की नाश्ता बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं मेरी आपके नाश्ता की रेसिपी कैसे लगी। थैंक यू फ्रेंड।